सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पर्सनालिटी साइकोलॉजी, इस वीडियो में मैं आपको पर्सनालिटी साइकोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट से पहले छोटी सी डेफिनेशन है, उसको रीड कर लेते हैं जल्दी से, फिर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पर्सनालिटी साइकोलॉजी इज अ वेरी ब्रॉड एरिया ऑफ अ साइकोलॉजिकल स्टडी इन्वॉल्विंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी एंड हाउ इट डिफर्स अमंग पीपल। Personality psychology studies such a topic as a self-concept, aggression and a gender roles. Personality psychology, दो वर्ड हैं। personality का क्या मतलब होता है कि हर जो बंदा है ना, हर इंसान जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उसकी उसका जो बॉडी की शेप है वो डिफरेंट है, मतलब हर बंदे का एक दूसरे से चेहरा जो फेस है वो डिफरेंट है, उसके बाद उसकी जो थिंकिंग है ना वो डिफरेंट है, उसकी जो फीलिंग है वो चीज़ों को कैसे फील करता है वो थोड़ी डिफरेंट है, और वो चीज़ों को कैसे रिएक्ट करता है वो डिफरेंट है। इसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी, कि हर इंसान की जो खसूसियात हैं, उसके जो पैटर्न हैं, उसके जो बिहेवियर हैं, उसके रहने के रस्म और रवाज जो हैं, उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो फीलिंग है, उसकी जो बिहेविंग है, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। और साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है, साइकोलॉजी का मतलब है, साइकोलॉजी जो है ना एक साइंस है, मॉडर्न डेफिनेशन बता रहा हूँ, एक साइंस है जिसके अंदर हम दूसरों की माइंड परसेप्शन को समझते हैं, उनके बिहेवियर को समझते हैं कि कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, कैसे वो चीज़ों पे बिहेव करते हैं, कैसी उनकी थिंकिंग है, कैसे थॉट्स हैं, कैसे एटीट्यूड हैं, कैसे उनके पैटर्न्स हैं, कॉन्शियसनेस एंड सब कॉन्शियसनेस, ये भी इसके अंदर कवर हो जाती है साइकोलॉजी के। अभी बात आती है कि पर्सनैलिटी साइकोलॉजी क्या होती है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी जो होती है ना, इसमें बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो देखता है कि इंसान खुद के बारे में खुद कैसे सोचता है, मतलब दूसरी चीज़ों के बारे में अपने माइंड के अंदर कैसी सोच लाता है। जैसे आप किसी बंदे को कहते हो यार आप बहुत अच्छे हो, तो इसके पीछे कोई लॉजिक होगा ना, बैकएंड पे कोई पीछे आपके कोडिंग हुई हुई है, बैकएंड पे आपको कोई नॉलेज मिला है जिसकी बेस पे आप उसको कह रहे हो कि आप ठीक हो। मतलब एक बंदा बहुत अच्छे से काम करता है तो आप उसे कहते हो यार आप बहुत अच्छे हो, एक बंदा सच बोलता है आप उसे कहते हो आप अच्छे हो, आप क्यों कहते हो उसे अच्छे हो, क्योंकि उसने सच बोला है। तो आपके बैकएंड पे कोडिंग हुई है कि जो बंदा सच्चा है, जो सच बोलता है वो अच्छा बंदा है, तो इस बेस पे आपने उसका फैसला किया और उसको आपने कहा कि आप अच्छे हो। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है, पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट बेसिकली देखते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि कैसे ये खुद से चीजों के बारे में सोचता है। अग्रेशन मतलब गुस्से में इसकी फीलिंग कैसी है, परेशान होते क्यों होता है, किस वजह से होता है। काफ़ी लोग जो है ना बहुत ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी शेप खराब हो जाती है और वो फिर परेशान होते हैं, उनको बीमारियां भी लग जाती हैं। तो इस तरह डिफरेंट हर किसी के माइंड की सोच होती है, तो वो इनको स्टडी करते हैं पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट। जेंडर रोल्स मतलब जेंडर में आ जाता है कि फीमेल डिफरेंट होती हैं और मेल डिफरेंट होते हैं, इनकी नफ्सियात जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, इनके सोचने के रवैये थोड़े डिफरेंट होते हैं, ये नहीं कि लड़की जैसा सोचे उसी तरह लड़का सोचे। बिजनेस में ना ज़्यादातर बड़े बड़े आप देखेंगे, बड़े बड़े जो मैनेजमेंट के टॉप मैनेजमेंट बड़े बड़े जितने भी स्केल हैं ग्रेड है ना बड़े बड़े, वो ज़्यादातर जैसे सीईओ ज़्यादा कंपनी के आप देखेंगे कि वो मेल होंगे, फीमेल्स कम ही आप देखेंगे सीईओ होंगी कंपनी की। कोई डायरेक्टर है बड़े बड़े ओहदों पे ज़्यादातर आपको मेल नज़र आएंगे, क्यों, क्योंकि वो रिस्क टेकर होते हैं, औरतें जो हैं वो रिस्क टेकर नहीं होती। तो बिजनेस में बेसिकली रिस्क टेकर बंदा उनको चाहिए होता है जो अच्छे से टैकल कर सके सिचुएशन को। तो ये चीज़ें आपको लॉजिक को समझ रहे हैं ना कि औरतें जो हैं उनका सोचने का रवैया डिफरेंट है। तो ये चीज़ें पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि लोग कैसा सोचते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ कितना है, उनकी सोच कैसे डिफरेंट है, ये चीज़ों पे हम स्टडी करते हैं कि इंडिविजुअल वो कैसा सोचते हैं, अगर उन्हें किसी कम्युनिटी में डाल दिया जाए, लोगों के साथ मिलके उनको काम करना पड़े तो वो फिर कैसा सोचेंगे। तो ये पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में आ जाता है। आई होप आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।